आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोले कि द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व y = 4/3x³+5। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट चेंजेस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए हमें कर्व का इक्वेशन क्या दिया है कि y = 4/3x³+5, ये चीज दी गई है। और हमसे बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर y कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। यानी देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए dy by dt फाइंड कर लेंगे एंड dx by dt फाइंड कर लेंगे। देखिए सबसे स्टेप्स जो होंगे वो लिख रहा हूँ मैं, फाइंड dy by dt एंड dx by dt। यानी इस पूरे इक्वेशन को मैं देखिए क्या करूँगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dy by dt मिल जाएगा, dx by dt मिलेगा, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर जो हमारे पास मतलब वैल्यूज आएंगी कंडीशन के हिसाब से, वो उस पॉइंट्स पे हमारे कोऑर्डिनेट्स सेम रेट पे चेंज हो जाएंगे। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या आ जाएगा कि dy by dt इज इक्वल्स टू 4/3 तो कांस्टेंट है, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3x² dx/dt और प्लस 5 का यह डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब हमें बोला है कि dy by dt इज इक्वल्स टू dx by dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो देखिए हम ये दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 = 4/3 × 3x². ठीक है, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा कि x² = 1/4, यानी x = ±1/2। तो देखिए दो वैल्यूज आ गई x की, एक देखिए इधर ले लेंगे x = 1/2 और यहाँ ले लेंगे x = −1/2। तो देखिए करिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे तो y क्या है, y = 4/3x² + x³+5 ये दिया देखिए हमें, 4/3x³+5। तो देखिए सिंपली हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो देखिए y क्या आ जाएगा 4/3, x क्या है 1/2, तो 1/2³+5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/3 × 1/8+5। तो देखिए क्या आ गया, ये आ जाएगा 4/24+5, 24 × 5 उधर करेंगे हम, तो देखिए क्या आएगा, 4+120/24, यानी कि क्या, देखिए इसको इधर ही कैंसिल आउट कर देते हैं हम, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/6, तो आगे देखिए 6 से एलसीएम लेना होगा बस, तो देखिए क्या आ जाएगा 1+5 + 5 = 30/6, यानी 31/6 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर दूसरा पॉइंट पुट करें तो देखिए क्या आएगा, y = 4/3 × −1/8 आ जाएगा 1/2³+5, तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 से लेके इधर देखिए 2 गया, तो देखिए क्या आ जाएगा −1/6+5, तो ये आ जाएगा −1+30/6, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आगे देखिए, −1+30 करेंगे तो 29/6। तो देखिए दो कोऑर्डिनेट्स हमें आ जाएगा इन पॉइंट्स के, जो कि क्या हो जाएगा 1/2, 31/6 एंड −1/2, 29/6। इन दो पॉइंट्स पे हमारा जो है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के मतलब इक्वल रेट से चेंज होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये दो पॉइंट्स 1/2, 31/6 एंड −1/2, 29/6। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।